अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट्स किसे कहते हैं। अगर हम कंसाइनमेंट का लफ्जी मतलब देखें तो कंसाइनमेंट कहा जाता है ये वो काम है या वो एक्शन ऑफ डिलीवरिंग समथिंग, यानी कुछ गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का, डिलीवर करने का जो प्रोसेस है उसको कंसाइनमेंट कहा जाता है। और इससे रिलेटेड जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, सब रिकॉर्डिंग रखी जाती है, इसको कंसाइनमेंट अकाउंट्स कहते हैं। ये तो है इसका लफ्जी मतलब। तो अब हम देखते हैं अकाउंटिंग में कंसाइनमेंट अकाउंट्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं कंसाइनमेंट प्रोसेस क्या होता है अकाउंटिंग में, और इसके लिए जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं वो हम बाद में देखेंगे। हमारे पास यहाँ एक पर्सन है जो कि मिस्टर अली हैं। अब मिस्टर अली क्या चाहते हैं, वो स्पोर्ट्स मटेरियल को बनाते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल यानी हॉकी बैट, इस तरह की मज़ीद जो हैं स्पोर्ट्स मटेरियल वो बनाते हैं। अब वो कहाँ रहते हैं, वो सियालकोट में रहते हैं, और जो स्पोर्ट्स मटेरियल बनाते हैं वो सियालकोट में ही सेल करते हैं। लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि सियालकोट के अलावा वो इस्लामाबाद की तरफ अपना स्पोर्ट्स मटेरियल सेल करें, इसके अलावा वो एब्रॉड अपना जो मटेरियल वो बनाते हैं, जो चीज़ें वो प्रोडक्ट्स अपने बनाते हैं वो उसको एब्रॉड भी सेल करें। तो अब वो क्या कर सकते हैं बाहर सेल करने के लिए, या तो वो ये कर सकते हैं कि अपनी डिफरेंट सिटी में या अपनी सिटी से बाहर, कंट्री से बाहर वो ब्रांच ओपन कर लें। अब जब ब्रांच ओपन वो करेंगे तो क्या होगा, उनकी प्लेस का खर्चा आएगा, जगह लेनी होगी, उन्हें डिफरेंट एम्प्लॉयज़ रखने होंगे, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स या रिफ्रेशमेंट के एक्सपेंसेस, इस तरह के मज़ीद एक्सपेंसेस आएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इस तरह ब्रांच ओपन करके उनके एक्सपेंसेस हो जाएंगे, और ये वो एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब इसका क्या वे है कि वो सेल कर भी दें दूसरी सिटीज़ या कंट्री में और ब्रांचेस उन्हें ओपन ना करनी पड़े। तो वो क्या करेंगे, वो एक पर्सन जो कि दूसरा पर्सन है मिस्टर बी, मिस्टर अली का हमने यहाँ पर लिखा है जो बना रहे हैं, ये मिस्टर बी, बी की जगह हम लोग यहाँ बिलाल लिख लेते हैं। मिस्टर बिलाल को ये अपना एजेंट अपॉइंट कर लेंगे जिस भी सिटी में वो चाहते हैं कि उनकी सेल हो और वो अपने जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं यानी स्पोर्ट्स मटेरियल को सेल करें, उस सिटी में वो अपने एजेंट अपॉइंट कर लेंगे। जैसे यहाँ इस्लामाबाद लिखा है तो इस्लामाबाद में भी और अब्रॉड में भी अपने एजेंट्स अपॉइंट कर लेंगे, और इन एजेंट्स के थ्रू उन कंट्रीज़ में या उन सिटीज़ में सेल करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को जिसमें एक जगह से दूसरी जगह यानी दूसरी सिटी में या दूसरी कंट्री में सेल की जा सके थ्रू एजेंट, इस पूरे प्रोसेस को हम अकाउंटिंग में क्या कहते हैं, इसे हम कंसाइनमेंट कहते हैं। अब जो पर्सन वो अपॉइंट करेंगे उसे क्या कहा जाता है, जो पर्सन यानी एजेंट जो अपॉइंट करेंगे उसे हम कंसाइनी कहते हैं, और मिस्टर अली जो कि गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपने मटेरियल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि वो सेल हो सके, तो मिस्टर अली को इस कंसाइनमेंट प्रोसेस में कंसाइनर कहा जाता है। अब जो कंसाइनर मिस्टर अली हैं वो इस कंसाइनमेंट को कहेंगे कि ये जो उन्होंने कंसाइनमेंट की है, गुड्स को डिलीवर किया है, ये कंसाइनमेंट आउटवर्ड है क्योंकि उन्होंने गुड्स को देने के लिए बाहर मतलब अपने एजेंट को पहुंचाया है, अपने पास से निकाला है, तो ये कंसाइनमेंट आउटवर्ड है। और जो एजेंट हैं यानी कंसाइनी हैं वो इस कंसाइनमेंट को कंसाइनमेंट इनवर्ड कहेंगे क्योंकि उनके पास मटेरियल आया है, प्रोडक्ट आई हैं या गुड्स सामान आया है, और इसको उन्होंने कंसाइनर के बिहाफ पर सेल करना है। अब क्वेश्चन ये है क्या कंसाइनी जो चीज़ें सेल करेगा उसको कंसाइनर से ख़रीदेगा, नहीं कंसाइनी चीज़ें नहीं ख़रीदेगा, जो चीज़ों की ऑनरशिप है यानी चीज़ों की जो मलकियत है वो सेंडर के पास रहेगी। अब सेंडर कौन है, यहाँ सेंडर है कंसाइनर, यानी कंसाइनर जो है वो अपनी जो प्रोडक्ट उसने सेल करनी है, जो गुड्स उसने सेल करवानी है वो सेंड करेगा, भेजेगा कंसाइनी को, लेकिन इसकी ऑनरशिप यानी असल मलकियत कंसाइनर के पास रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई लॉस हो जाता है चीज़ें डिलीवर करने में तो उसका रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो कंसाइनर होगा क्योंकि जो मलकियत है अभी कंसाइनर की है, और ना ही उन तमाम चीज़ों के लिए कंसाइनी अमाउंट पे करेगा। अब कंसाइनी किस तरह से कंसाइनर के लिए काम करेगा ये हम जानते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल है और ये कंसाइनर सेल करना चाहता है अपना स्पोर्ट्स मटेरियल, और वो कितनी अमाउंट में सेल करना चाहता है, जो अमाउंट है वो है
3 लाख। अब जो ये 3 लाख की अमाउंट का जो मटेरियल है वो कंसाइनर कंसाइनी को भेज देगा। अब कंसाइनी किस तरह से काम करेगा, कंसाइनी इस मटेरियल को, स्पोर्ट्स मटेरियल को कुछ खुद बेचेगा, या अगर उसे कोई वर्कर रखना पड़ता है इसको सेल करने के लिए तो वो वर्कर अपॉइंट करेगा, वर्कर को रखेगा। इसके अलावा अब कंसाइनी को खुद बेनिफिट क्या होगा, कंसाइनी कमीशन चार्ज करेगा। अब कंसाइनी जो कमीशन चार्ज करेगा वो लेट सपोज हम कह देते हैं जितनी सेल्स आप करोगे उस सेल्स का 10% जो अमाउंट है वो आपको मिलेगी। कंसाइनर ये बात कंसाइनी से कहता है। तो अब कंसाइनी जब ये सेल करता है तो अगर कंसाइनी ने 3 लाख रुपए की सेल्स कर दी हैं तो अब क्या होगा, कंसाइनी अपने तमाम एक्सपेंसेस, यानी अगर वर्कर को उसने अमाउंट पे की है, यहाँ पर हम लोग लेट सपोज लिख लेते हैं ये अमाउंट है ₹10,000 जो उसने अपने काम में आसानी के लिए वर्कर अपॉइंट किया है, ये है 10,000। इसके अलावा कंसाइनी जो कमीशन चार्ज करेगा वो है 10%। तो अगर हम लोग 3 लाख का 10% लें तो ये कितना आता है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। और जो सिंपल वे है ये इसको सॉल्व करने का वो ये है कि आप इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से काट दें, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से काट दें और बाकी जो अमाउंट बच गई है वो आई है 30,000। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है, तो ये ₹30,000 जो कमीशन है कंसाइनी का, इसके अलावा जो खर्चा आया है कंसाइनी का वो है 10,000। तो अब क्या होगा, 3 लाख की जो उसने स्पोर्ट्स मटेरियल सेल किया है उसमें से ये ₹10,000 माइनस किए जाएंगे, ₹30,000 अपना कमीशन माइनस करेगा कंसाइनी, और माइनस करने के बाद जो बाकी अमाउंट आएगी, अब 3 लाख में से अगर हम 10,000 और 30,000 माइनस करें तो बाकी हमारे पास आता है 2,60,000। तो ये जो 2,60,000 आएगा, ये 2,60,000 कंसाइनी कंसाइनर को भेज देगा। तो इस सारे सिस्टम को, इस सारे प्रोसेस को हम कंसाइनमेंट प्रोसेस कहते हैं। इसके अलावा जो इसमें छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो हम लोग डिफरेंट सिनेरियोस यानी डिफरेंट प्रॉब्लम्स करेंगे, उस पर हम लोग फिर देखेंगे किस तरह से कंसाइनमेंट अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, किस तरह से कंसाइनमेंट अकाउंटिंग काम करती है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कंसाइनमेंट अकाउंट्स किसे कहते हैं, हम एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक पर्सन एक सिटी से दूसरी सिटी में या दूसरी कंट्री में सेल कर सकता है एजेंट को अपॉइंट करके, इसको कंसाइनमेंट प्रोसेस कहा जाता है। और जो पर्सन ये करता है, जो अपनी चीज़ें बेचना चाहता है, उसे कंसाइनर कहा जाता है, और ये काम कंसाइनर के बिहाफ पर जो करता है उसको कंसाइनी कहा जाता है।